हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा मेरे चैनल पर इस एग्जाम से लिए हुए बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करके दिखाए हुए हैं और यहाँ आपको उस कंसेप्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस में अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक चाहते हो तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपको 300 क्वेश्चंस से भी ज़्यादा क्वेश्चंस विद आंसर की मिलने वाले हैं और इसके साथ ही 4 मेगा टेस्ट भी मिलने वाले हैं विद वेरी लो कॉस्ट। अगर आप ये चाहते हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है, द मशीन इज कॉल्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 इज इक्वल टू 1, मोर देन 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज। इस वीडियो में जो भी इमेजेस ली गई है वो मैंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से ली हुई है। चैप्टर 12 से ये क्वेश्चन है तो उसी चैप्टर से ये इमेजेस ली हुई है। उसका सोर्स क्रेडिट यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंट हमें इस चैप्टर में करने के लिए बताया है। यहाँ पर ये जो पेंसिल रखी है दैट इज अ फल्क्रम, एक साइड में लोड रखा हुआ है दैट इज अ पेपर वेट और दूसरी साइड में इफर्ट हमें डालने हैं, फोर्स हमें अप्लाई करना है टू लिफ्ट दिस पेपर वेट, राइट। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया है कि इस पेंसिल की पोजीशन आप चेंज करो और देखो कि आपके एफर्ट में क्या फर्क आता है। देखो बेटा, हम लोग मशीन का इन्वेंशन, मशीन का यूज अपने फायदे के लिए करते हैं ताकि हमारे एफर्ट्स कम हो जाए, है ना। एफर्ट्स कम हो जाए, टाइम बच जाए, इसलिए हम किसी भी मशीन का उपयोग करते हैं। तो वही बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एफर्ट्स कम हो जाए ऐसी इस पेंसिल की कौन सी पोजीशन होगी, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला देखो तो वो कहता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। यहाँ पर एफर्ट आर्म कौन सी है, फलक्रम से लेकर एफर्ट तक की जो होगी वो एफर्ट आर्म होगी और फलक्रम से लेकर लोड तक जो होगी दैट वुड बी अ लोड आर्म, ठीक है यहाँ तक बात। अब देखो, आप जानते हो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर्स। फर्स्ट ऑर्डर लीवर में फलक्रम सेंटर में है, लोड और एफर्ट दो साइड में आते हैं, जैसे अभी वाले एग्जांपल में हमने देखा। तो हम फलक्रम की पोजीशन यहाँ पर एडजस्ट करके वी कैन हैव मैकेनिकल एडवांटेज। जहाँ पर एफर्ट आर्म अगर आप ज़्यादा रखते हो तो वो मशीन आपको ईजीली विथ लेस एफर्ट्स रिजल्ट देगा। सेकेंड ऑर्डर लीवर की बात करो तो यहाँ देखो फलक्रम एक साइड में गया है, अभी लोड बीच में है और एफर्ट इस साइड में है। एफर्ट आर्म इज फलक्रम टू एफर्ट, तो यहाँ से यहाँ तक, और लोड आर्म जो होगी वो फलक्रम से लोड तक, तो यहाँ से यहाँ तक। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीवर लोड आर्म हमेशा छोटी रहेगी, एफर्ट आर्म हमेशा बड़ी रहेगी, ठीक है। तो ये मशीन हमें हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज देगी, ओके। थर्ड ऑर्डर लीवर की बात करो तो यहाँ पर एफर्ट बीच में आता है, लोड और फलक्रम दो साइड में चले जाते हैं। फिर से वही बात, फलक्रम से एफर्ट तक जो होगा वो डिस्टेंस होगा एफर्ट आर्म का, जो यहाँ पर छोटा रहेगा हमेशा, और लोड आर्म का डिस्टेंस यहाँ पर बड़ा रहेगा। तो ये थर्ड ऑर्डर लीवर वाली जो मशीन होती है वो मैकेनिकल एडवांटेज नहीं देती है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा, जहाँ पर हमें बता है कि मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इस टॉपिक पर क्वेश्चंस बन रहे हैं, इस टॉपिक को अच्छे से करके रखो। इस तरीके से आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ
और भी वीडियोस लेकर आ रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।